हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं हमारे वीडियो में इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 7.4 की एक्सरसाइज को लेकर, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके सवाल नंबर 18 को लेकर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं, दिया गया है इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। ऐसे फलन का समाकलन करते समय इसको हम मान लेते हैं, माना 5x माइनस 2 इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डी। क्लियर? इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें सॉल्व करते हैं, ये बनेगा ए इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का हम करेंगे अवकलन, इसका हो जाएगा 0, इसका होगा 2 प्लस 6x प्लस बी। इसमें क्या करेंगे, ए से गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 6ax प्लस बी, इधर आपका बनेगा 5x माइनस 2। देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणांकों से तुलना करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के गुणांकों की तुलना करने पर, ये तुलना करेंगे, इधर है आपका 5x, x वाला पद इधर ये है, तो ये आपका बनेगा 6ax इक्वल टू 5x, इसमें x कैंसिल कर देंगे और ये आपका बनेगा a बराबर 5/6। इधर b से तुलना करेंगे तो ये आपका बनेगा 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 2, इसमें a की वैल्यू रख देंगे, ये होगा 2 इंटू 5/6 प्लस बी इक्वल टू माइनस 2, इसमें कैंसिल कर देंगे इसको, 5 अपॉन 3 प्लस बी इक्वल टू माइनस 2, ये होगा बी बराबर माइनस 2 माइनस 5 बटे 3। ठीक है, बी बराबर इधर हम हल करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे, मल्टीपल करा देंगे, 3 दूनी 6 माइनस 5, ये आपका बन जाएगा माइनस 11 बटे 3। ये ए और बी की वैल्यू आ गई है, इस ए और बी की वैल्यू को हम इस समीकरण में रख देंगे, यहां पर लिखेंगे ए, समीकरण एक में रख देंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू 6x प्लस 2 प्लस बी अपॉन, इसमें डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर से, दोनों पक्षों में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा और इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू a, इधर इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन a इंटू 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, इंटीग्रेशन b अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। चलिए इसके मान रख देते हैं, ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन a, a की वैल्यू है 5/6, 5/6 इंटू 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन बी, बी की वैल्यू है -11/3, ये हो जाएगी -11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, इसमें 5/6 को बाहर कर देंगे, 5 अपॉन 6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर हुआ, इसमें 5 अपॉन 6 को बाहर कर देंगे, ये जितना आपका फलन बचेगा उसको सेम नोट कर देंगे, -11/3 बाहर हो जाएगा और इसमें बचेगा dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। क्लियर, इसमें इस फलन को, चलिए इसको एक नए विधि से सॉल्व करते हैं,
इसको लिख देंगे माना 5/6 इंटू, इसको मान लेंगे आई वन फलन, माइनस 11/3 इंटू आई टू। ठीक है, तो आई वन आई टू को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपकी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर टू। तो आई वन से हल करेंगे, आई वन के लिए आई वन को हल करेंगे, आई वन की वैल्यू है इतनी, कितनी है 6x+2/1+2x+3x² इंटू dx, इसका समाकलन आपको करना है। इसमें इस फलन को टी मान लेंगे, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि ऐसे फलन को टी मानते हैं जिसका अवकलन समाकलन में मौजूद होता है, तो इसको टी मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट टी इक्वल टू 1+2x+3x², इसका अवकलन करेंगे, ये बनेगा dt/dx, इसका शून्य हो जाएगा, ये होगा 2+, ये हो जाएगा आपका 6x। इस 2/6x को नीचे ले आएंगे, ये बनेगा dt/2+6x=dx, इस dx की वैल्यू इसमें रख देंगे, ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 6x+2/, इसको आपने मान रखा है टी इंटू, जो यहाँ पे ये dx दिया गया है इसकी वैल्यू लगा देंगे dt/2+6x, इसको कैंसिल कर देंगे, ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन dt/t। इंटीग्रेशन dt/t होता है log mod t, तो इसको log mod t लिख देंगे, ध्यान देना है log mod t, t को आपने मान रखा है 1+2x+3x², 1+2x+3x², ये आपका आपकी वैल्यू आ गई है प्रथम फलन की। अब दूसरे फलन को इसी प्रकार सॉल्व करते हैं, द्वितीय फलन के लिए I2 का मान है इंटीग्रेशन dx/1+2x+3x², इसमें क्या करते हैं तीन से गुणा कर देते हैं, तीन से भाग कर देते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dx/1+2x+3x², इसमें 3 से डिवाइडेशन कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, 1/3 इसका बाहर हो जाएगा ये वाला, ये बनेगा आपका dx/1/3+2x/3+, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचेगा x². इसमें क्या करेंगे, आप कुछ ऐसे फलन को जोड़ देंगे, ऐसा फलन घटा देंगे कि ये आपका जो डिनोमिनेटर दिया गया है ये एक वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे इसमें 1/3 इंटीग्रेशन dx/1+3+, इसको लिखेंगे 2ab(2)a(b) का मान है 1/3, इसमें 1/3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1/3 का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्लियर करेंगे 1/3 इंटीग्रेशन dx/, ये तो आपका होल स्क्वायर हो जाएगा a²+b² + 2ab, ये तो आपका हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, यानी x+1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका बनेगा 1/3, ये बन जाएगा आपका 1/9। ठीक है, इसको क्लियर करेंगे 1/3 इंटीग्रेशन dx/x+1/3 का होल स्क्वायर प्लस 9 एलसीएम लेकर के 3-1, ये आपका बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन dx/x+1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9। इसके बाद में इसको लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा dx/, इसको लिखेंगे x+1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 को लिखेंगे √2/3 का होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ का फॉर्मूला यूज होगा। इंटीग्रेशन dx/x² + a², इसका होता है 1/a (tan−x/a+c), ये होता है। चलिए इसको क्लियर कराएंगे, यहाँ पे ये आपका बनेगा 1/3 × 1/a, हमने आपको बताया है, देखिए ये आपकी जो वैल्यू है ये x है और ये a है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/a, a की वैल्यू है √2/3 × tan−x, x की वैल्यू है x+1/3/a की वैल्यू है √2/3+c, इसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपका 1/√2 × tan−1, ये हो जाएगा 3x+1/3, इसमें 3 एलसीएम ले लिया गया है, अपान नीचे बनाएंगे √2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा आपका,
और ये आपका बन जाएगा 1/√2 × tan−1 3x + 1/√2 + c। ये आपका आएगा आई टू फलन का समाकलन। और पिछले अभी हमने बताया ये आई वन फलन का समाकलन दिया गया है, तो क्या करते हैं इन आई वन और आई टू को समीकरण दो में रख देंगे। ठीक, इस समीकरण दो में दिया गया जिसमें आई वन आई टू को मान रखना है, इसको लिखेंगे 5/6। बहुत ध्यान देना है, आई वन का मान जो हमने आपको बताया है वो है लॉग मॉड 1+2x + 3x² − 11/3 × i2। आई टू की वैल्यू जो है आपको बताई गई है 1/√2 × tan−1 3x + 1/√2 + c। ये आपका होगा क्लियर आंसर। 19 नंबर है इंटीग्रेशन 6x + 7/√x − 5 × x − 4 × dx। इसमें क्या करते हैं इसकी गुणा करा देंगे, ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 6x + 7/√x²−9x + 20 × dx। ये दोस्तों इसमें भी वही करना है आपको जो आपने 18 नंबर में किया है, तो इसमें क्या करते हैं उसी मानक फलन में इसको तोड़ देंगे। ध्यान देना है अगर आपने 18 में पूरा कंफर्म नहीं कर पाया है तो मैं यहाँ पर 19 में आपको 100% क्लियर करा दूंगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, लिखेंगे माना 6x + 7 = a d/dx x²−9x + 20 + b। ठीक है, ये हो जाएगा 6x + 7 = a, इसका अवकलन कर देंगे ये हो जाएगा 2x − 9 + b। a से गुणा करा देंगे ये हो जाएगा 6x + 7 = 2ax − 9a + b। इसमें क्या करेंगे x के गुणांक, इसका गुणांक हो जाएगा 2ax = 6x, ये हो जाएगा a = 3, इधर हो जाएगा −9a + b = 7। ये हो जाएगा −9, a का मान 3 है + b = 7, ये हो जाएगा 27 + b = 7, ये हो जाएगा b = 7 + 27, b = 34 हो जाएगा। इस a और b के मान हम इस फलन में रखेंगे, तो ये आपका, चलिए इस फलन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इस फलन में रख देंगे a तथा b के मान फलन में रखने पर ये आपका बन जाएगा 6x + 7 = a, a की वैल्यू है 3 × 2x − 9 + b की वैल्यू है 34। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो ये यहाँ पर समाकलन हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन हो जाएगा, इसके अपान में इस फंक्शन से हम भाग कर देंगे तो हमारा सेम प्रोस्पेक्टर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं √x² − 9x + 20, यहाँ पर भी हो जाएगा √x² − 9x + 20 और इधर भी हो जाएगा x² − 9x + 20। ठीक है, चलिए इसको आगे क्या करेंगे, इसमें इस 3 को बाहर कर लेंगे और ये आपका बन जाएगा इतना 2x − 9/√x² − 9x + 20। इसमें 34 को बाहर कर लेंगे ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे dx छोड़ दिया गया, dx/√x² − 9x + चलिए इसमें क्या करते हैं, चाहो तो आप इसको I1 और I2 के रूप में तोड़ लो जैसा कि हमने आपको 18 नंबर में बताया है, और चाहो तो आप ऐसे ही क्लियर कर लो। चलिए इसको ऐसे क्लियर कर लेते हैं, इसमें इसको t मान लेते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है आपको, ध्यान नहीं दे पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे लेट t = x²−9x + 20, इसका अवकलन करेंगे dt/dx, इसका हो जाएगा 2x − 9, इसमें dx को बाहर कर देते हैं, dt/2x − 9 = dx, इस dx की वैल्यू इसमें रखें, ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन, 3 बाहर है, इसको लिखेंगे 2x − 9/√t, इसको t मान लिया है। ठीक है, और ये जो dx आपका दिया गया है, इस dx की वैल्यू है dt/2x − 9, तो इसको लगा देंगे dt/2x − 9, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और प्लस जो इसके साथ में चल रहा है इसमें क्या करते हैं dx/√, इसमें कुछ जोड़ देते हैं कुछ घटा देते हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए क्या होगा,
ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस, इसको 2a के रूप में लिखेंगे, 2 इंटू ए और इंटू बी, 9/2, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका 9x सेम आ जाएगा, तो इसमें 9/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 9/2 का स्क्वायर घटा देंगे, ये बन जाएगा आपका 3 इंटीग्रेशन डीटी अपॉन अंडर रूट टी, 34 इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन अंडर रूट, ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 81/4+20, ठीक है, इसका 9 का 81 हो जाएगा बटे 4+20, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, 3 इंटू डी टी अपान, इसको लिखेंगे टी की पावर 1/2 प्लस 34 इंटीग्रेशन डीएक्स अपान अंडर रूट, इसको लिखेंगे एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 81+24 = 80/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसको क्लियर करेंगे, ये आपका हो जाएगा, इस टी की पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी प्लस, ये हो जाएगा 34 आपका बाहर हो जाएगा और इसको लिखेंगे dx अपान अंडर रूट, इसको लिख देंगे x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 बचेगा, 1/4 को लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, यहां पर इसका समाकलन कर देंगे 3t की पावर माइनस 1/2+1 अपान माइनस 1/2+1 प्लस 34, इसका हो जाएगा log x, x की वैल्यू है x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में इसको क्लियर कराएंगे, ये हो जाएगा 3t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 34 लॉग एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, इसको हम सॉल्व करते चले आए हैं तो ये आपका प्रोस्पेक्टर बन जाएगा जाकर के एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20, तो ये आपका दो ऊपर पहुंच जाएगा, बन जाएगा 6 अंडर रूट टी प्लस 34 लॉग एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट टी, टी को आपने मान दिया यहाँ पर, ये वैल्यू लगा देंगे टी की जगह पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 प्लस 34 लॉग मॉड एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 इज आंसर।